फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। मैं मेघा आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान हर किसी की इच्छा होती है कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो, और पूरा 9 महीने का जो समय होता है उस समय हर महिला यही कोशिश करती है कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो। उसके लिए वॉक भी करती है, व्यायाम करती है, अच्छी डाइट का सेवन करती है, जिससे कि बच्चे का वजन भी ठीक रहे, बच्चे का विकास भी अच्छे से हो और उसके शरीर भी ठीक रहे। और एक चीज होती है, कहा जाता है कि 9वें महीने में जब बच्चा सर नीचे कर लेता है तो उसके आसपास आपकी डिलीवरी हो जाती है। इस पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि हमें कैसे पता चलेगा, अगर हमारा पहला बेबी है तो मैं कैसे जान पाऊंगी कि बच्चे ने सर नीचे कर लिया है, और जब बच्चा सर नीचे कर लेता है तब मुझे क्या करना चाहिए। तो इसकी पूरी जानकारी लेकर मैं आपके साथ, और उम्मीद करूंगी आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिये, जब बच्चा सर नीचे कर लेता है, बच्चा हेड डाउन पोजिशन में कब आता है? जब आपका जो 8 महीना है पूरा हो जाता है। अगर बच्चा समय से पहले सर नीचे कर लेता है तो ये आपके और आपके लिए, दोनों के लिए, आपके और आपके बच्चे के लिए, दोनों के लिए अच्छा नहीं होता है। बच्चे का हेड डाउन पोजीशन में आना भी एक समय से ही अच्छा लगता है कि आपका बच्चा 9वें महीने में हेड डाउन करे। अगर मैं कहूं कि 8 महीने 15 दिन हो गए हैं उसके बाद आपका बच्चा हेड डाउन करता है तो उसको सबसे अच्छा समय माना जाता है। तो जब बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आता है तो आपको कैसा महसूस होता है? सबसे पहले तो आपको महसूस होगा कि आपके पेट का ऊपरी हिस्सा खाली हो गया है। आपको लगेगा कि अभी तक बच्चा ऊपर था लेकिन अभी मेरा ऊपर का हिस्सा है बिल्कुल खाली है। बच्चे का पूरा वजन है पेट के निचले हिस्से पर पड़ता है। ये आप बहुत ही क्लियरली महसूस कर सकती हैं। दूसरा है कि बच्चे का जो सर है वो आपको पैल्विक एरिया पर काफी दबाव बनाता है, क्योंकि बच्चे का सर नीचे की तरफ होता है और पैर ऊपर की तरफ होते हैं। और अदरवाइज अगर मैं बात करूं तो आखिरी तिमाही में तो पूरा बच्चा पूरे पेट में घूमता रहता है, लेकिन जब हेड डाउन पोजीशन में आता है तो बच्चा सर नीचे कर लेता है और पैर ऊपर, जिससे कि बच्चे का जो पूरा दबाव है आपके पैल्विक एरिया पर पड़ता है, तो उससे आपको महसूस हो सकता है। नेक्स्ट, आपको भूख पड़ जाती है। देखिए, जब आपका पेट का ऊपरी हिस्सा खाली हो जाता है ना, तो आपको लगेगा कि बहुत ही भूख लगती है, आपको एसिडिटी नहीं होती है, आपको वॉमिट नहीं आती है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, तो ये सारी समस्याएं एकदम से गायब हो जाती हैं और आपको अच्छे से भूख लगने लगती है, तो ये आप महसूस कर सकते हैं। हो सकता है आपको कमर में भी दर्द महसूस हो। जी हाँ, जब बच्चा का सर नीचे हो जाता है तो कमर में दर्द होना भी एक बहुत ही आम लक्षण है। आपको हल्का हल्का दर्द महसूस हो सकता है। जी हाँ, जब बच्चा सर नीचे कर लेता है तो पेट के निचले हिस्से में हल्का हल्का दर्द महसूस होता है। बार बार यूरिन करने की इच्छा होती है। जी हाँ, कभी कभी क्या होता है कि जब बच्चा हेड डाउन करता है तो दबाव बहुत ज्यादा पड़ता है पेल्विक एरिया पर, तो इससे आपको क्या होगा कि आपको बार बार यूरिन आ रहा है, यूरिन पास हो रहा है, तो ऐसा भी हो जाता है। बच्चा अगर सर नीचे कर लेता है तब आपको क्या करना चाहिए? देखिए, बच्चे का हेड डाउन होने पर अगर आपको कोई भी परेशानी महसूस हो रही है तो तुरंत सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से मिले। उसके बाद वो अगर सब नॉर्मल है, अभी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तो आप वॉक कर सकते हैं। वॉक करना बहुत ही अच्छा होता है, जिससे बच्चा जल्दी से डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है। आप ऐसी चीजों का सेवन करें जिससे कि जल्दी डिलीवरी हो और आपको लेबर पेन स्टार्ट हो सके। पानी का सेवन कीजिए, बहुत अधिक नहीं, लेकिन आप अपनी डाइट अच्छे से रखिए, पोषक तत्वों से भरपूर डाइट लीजिए, पानी का सेवन कीजिए, वॉक कीजिए, थोड़ा सा व्यायाम जरूर कीजिए, स्क्वैट्स करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए स्क्वैट्स बहुत ही फायदेमंद होते हैं, आप इसका ध्यान भी रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप कीजिए, इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी जल्दी से जल्दी होगी, क्योंकि कहा जाता है कि अगर बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इसके साथ ही अगर आपको लेबर पेन स्टार्ट हो गए हैं तो उससे आपका यूट्रस का मुंह 10 सेंटीमीटर तक खुलना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आपका मुंह 3-4-5 सेंटीमीटर तक भी खुल गया है तो आर्टिफिशियल पेन देकर यूट्रस के मुंह को खोला जा सकता है। इससे बच्चे की डिलीवरी भी समय से होगी, नॉर्मल भी होगी, आपकी बॉडी भी फिट रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल रहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। थैंक यू, नमस्कार।